अहमदाबाद खाते क्रिकेटर सुरेश रैनाए गुजरात यूनिवर्सिटी कन्वेंशन एंड एक्सिबिशन सेंटर खाते एम एस धोनी क्रिकेट एकेडमी भव्य उद्घाटन करू हतो। आ प्रसंगे आरका स्पोर्ट्स ना स्थापक मिहिर दिवाकर अने श्री एंटरप्राइज ना श्रीधर रेड्डी उपस्थित रहा था। आ एकेडमी शहर ना प्रतिभाशाली अने उभरता युवा क्रिकेटर्स ने विश्व स्तरीय कोचिंग अने टेक्निक प्रदान करीने तेमने जिला राज्य अने राष्ट्रीय स्तरे प्रतिनिधित्व करवा समक्ष बनावशे। आ प्रसंगे क्रिकेटर सुरेश रैनाए जणाव्युं हतुं के अहीं उपस्थित रहेवो मारा माटे अत्यंत खुशी अने गर्वनी वात छे तथा क्रिकेटमां रुचि धरावता दरेक युवानने माळखाकीय तालीम प्रदान करवानी एम एस धोनी अने मिहिरनी कटिबद्धता खरा अर्थमां प्रशंसाने पात्र छे। First of all, thank you to Mir bhai. I played with him and he's like a senior to me. And congratulations to Ahmedabad having a wonderful academy, MS Dhoni Cricket Academy. He played the game with the dignity and having his academy in Ahmedabad will give a lot of courage to students. They can learn so many good things with the coaches. I think it's a very, very good initiative by Mir's team and we all wanted to give a lot of best wishes to our young kids. वो साकार भी करती है कि हमारी यूनिफॉर्मिटी होती है, कोचेज मैटर नहीं करते हैं। जो प्रोग्राम अगर दुबई के एकेडमी में या दिल्ली के एकेडमी में चलता है वो सेम प्रोग्राम यहाँ चले, और यूनिफॉर्मिटी बहुत जरूरी है और स्ट्रक्चर कोचिंग बहुत जरूरी है। और इसको देखने के लिए डायरेक्ट कलेनर हमारे जो डायरेक्टर हैं और सतरीज लहरी मंदार लालवी ऐसे लेवल सी कोचेज भी हैं जो बराबर बीच बीच में आते रहते हैं वाया कॉल वाया वीडियो टेक्नोलॉजी के थ्रू सबको मैनेज करते रहते हैं। कोचेज हमारे जितने भी यहाँ पर अविराज पाटिल अभी आ रहे हैं, हमारे जो कोच है वो लेवल बी कोच है और अभी वो चेन्नई में हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम करके वो यहाँ आ रहे हैं। और सतरीज लहरी और मंदार दालवी हमारे जो हेड कोचेज हैं चीफ कोचेज हैं उनके ऊपर डैरिल कलिनन है और उनके ऊपर MS मेंटर हमारे हैं। तो कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं है, तो जो भी चीजें हैं बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत फायदा मिलेगा।